YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से माय जज्बा पर। दोस्तों आज मैं लेके आपके सामने हूँ असम राइफल की वैकेंसी के बारे में, जो कि इसमें सारे डिटेल्स हम लोग बात करेंगे, जो कि जिसका फिजिकल हो चुका है और आप लोगों को फिजिकल जो भी क्वालिफाई किए होंगे उसी टाइम आपको एडमिट कार्ड भी मिल चुका होगा कि आपका एग्ज़ाम कितने तारीख को है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं असम राइफल के बारे में, जो कि एग्ज़ाम सिलेबस टोटल हम लोग बात करेंगे और भर्ती प्रक्रिया बात करेंगे कि अब आगे की भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या होने वाला है। साथ में आपको पुराना पेपर भी बताएंगे, प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर के बारे में भी बताएंगे, जो पहले एग्ज़ाम हुआ है वो भी मैं आपके सामने कल से वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। और ये भी मैं बता दूँ कि आपको वीडियो बनकर के रेडी है, तैयार है, आपको चार पेपर मैं प्रोवाइड कराऊंगा प्रीवियस ईयर असम राइफल से रिलेटेड, जो कि पहली वीडियो जो है आज सुबह में आपको अपलोड कर दी जाएगी। और इस वीडियो में बात करेंगे कि कम से कम कितने मार्क्स आपको लाने होंगे आगे की, और भी एग्जाम जो भी एग्जामिनेशन होगा भर्ती प्रोसेस में उसमें जाने के लिए आपको कितने मार्क्स लानी होगी। और इसी वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इस बारे में भी बात करेंगे। और भी बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम आपको निगेटिव मार्किंग होगी, कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं होगा, जो कि आपको जो वैकेंसी निकली थी असम राइफल की तो ट्रेड और ट्रेड्समैन दोनों के लिए था। तो इसमें हर चीज़ बात करेंगे, आपका ट्रेड टेस्ट में क्या होने वाला है या आपकी जो भी है सारे इसमें पूरी तरह लोग बात करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से बात करेंगे, ठीक है। और आपका मेडिकल कब होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पर बने रहें, बीच में स्किप न करें। और तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर बता दूं कि आपको कल से आपको डेली जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए असम राइफल की उसका आपको क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ करा दिया जाएगा, और ठीक है, और कैसा क्वेश्चन रहेगा, किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ट्रेडमेंट्स के लिए किस कैसा रहेगा, क्लर्क के लिए कैसा रहेगा, हवलदार के लिए कैसा रहेगा, और वारंट ऑफिसर के लिए कैसा क्वेश्चन रहेगा, हर चीज़ इसमें हम लोग बात करेंगे। कितने नंबर की मैथ आएगी, कितने नंबर का रीजनिंग पूछा जाएगा, या कितने क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, या इसमें हिंदी इंग्लिश कितनी होगी, हिंदी या इंग्लिश किसी दोनों का एग्ज़ाम देना है, एक ही एग्ज़ाम देना है, ये भी हम लोग इसी वीडियो में बात कर लेंगे। और मैं बता दूं आपको कि प्रीवियस ईयर पुराना पेपर मैं बना करके रेडी कर दिया हूँ, वीडियो बन गई है, बस कल से आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा ना बात करके। और साथ में मैं बात करूँगा आपको कि सीटें बढ़ी है ना बढ़ी, ये भी बात करेंगे इसी वीडियो में। तो मैं बता दूँ आपको कि जो भी मैं आपके पास डाटा लाता हूँ तो जो भी ओरिजिनल डाटा होते हैं, जेन्युइन होता है, वहीं मैं आपके सामने रखता हूं, नहीं तो ऐसा वीडियो नहीं है इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो अभी मैं आपके सामने अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने क्या खोला है, तो असम राइफल की जो उस समय नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी के बारे में वही मैंने खोल रखा है। और इसी वैकेंसी में नोटिफिकेशन में बताऊँगा कि क्या चीज़ कितने नंबर के पूछे जाएंगे, सीटें इंक्रीज हुई हैं कि नहीं हुई है, ये भी मैं कन्फर्म कर दूँगा। तो मैं एक बात और बता दूं, कंफर्म क्या करना है, मैं बता दूं कि 100% सीट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। पहले जो था वैकेंसी 900 कुछ था, लेकिन अब जो है वैकेंसी 1000 माने लगभग 1000 कर दिया गया, सॉरी मैं गलत बोल दिया, पहले जो वैकेंसी थी 749 वैकेंसियाँ थी, लेकिन अब जो वैकेंसी हो चुकी है वो लगभग 1000 के आसपास में हो चुकी है। तो उसमें भी हम लोग बात कर लेंगे, लास्ट में उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी आइए देखते हैं कि सिलेबस क्या आपके रहने वाला है। चलिए तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं पोस्टें के, ज़्यादा देर ना करेंगे, जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रिटिकेट मत हो जाएगा। तो पहला पोस्ट के बता दें कि हिंदी ट्रांसलेटर का था, जिसके लिए नायब रैंक जो रखा था नायब सूबेदार था, ठीक है। तो और इसमें मांगा गया था मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, इसमें हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो भी भरे होंगे उनके लिए। और आगे था बिल्डिंग एंड रोड, जिसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया था, ये भी नायब सूबेदार के लिए ही था, लेकिन इसमें मैट्रिक के साथ साथ आपको डिप्लोमा चाहिए था, यानी पॉलिटेक्निक की सर्टिफिकेट चाहिए थे, वो भी सिविल इंजीनियर से होना चाहिए था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं तो स्टाफ नर्स के लिए, तो जो कि स्टाफ नर्स में आपको जो भी क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन ये नायब सूबेदार की थी। तो ये तीन चार पोस्टें जो थी ना नायब सूबेदार के लिए, तीन पोस्टें रखी गई थी। और उसके बाद जो था, उसके बाद क्लर्क था, तो क्लर्क का जो पोस्ट थी वो हवलदार के लिए रखा था, और पर्सनल असिस्टेंट जो था उसे वारंट ऑफिसर था, ठीक है। तो ये
मैं इसका इसलिए बात करता हूँ क्योंकि जब एग्जाम आपका होगा तो अलग होगा, ठीक है। एक ही पेपर सभी को नहीं दिए जाएंगे, जो भी होगा पीए होगा यानी पर्सनल असिस्टेंट होंगे तो उनका वारंट ऑफिसर का है तो उनका अलग उनका अलग मैथ रहेगा, कुछ क्वेश्चन के लेवल हार्ड रहेंगे, कलर का रहेगा तो थोड़ा सा असिस्टेंट से थोड़ा सा लगभग सेम रहेगा, और नर्सिंग स्टाफ और ये जो तीन पोस्टें थी उनका सेम रहेगा लेवल, जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा, ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं कि यहाँ पर क्लर्क और पर्सनल असिस्टेंट से और नर्सिंग स्टाफ ये सब सारे का एग्ज़ाम 30 मार्च को होने वाले हैं, और जो भी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आए जो 10th लेवल पर थी उनकी जो एग्ज़ाम है वो 31 मार्च को होने वाला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अलग फीटर इलेक्ट्रीशियन फीटर सिग्नल के लिए था और ट्रेड्स लायरमैन फील्ड के लिए था, ये सब सारी वैकेंसियाँ थी जो कि आपने भरा है और आपने फिजिकल निकाला होगा तो आपका एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आपको क्या क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो चलिए यहीं पर आपको दिखाई दे रहा होगा रिटेन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो रिटेन एग्जामिनेशन में क्या कर रहा है कि द क्वेश्चन पेपर ऑफ द रिटेन टेस्ट विल बी कम्प्राइज ऑफ द 100 मार्क्स मिनिमम मार्क्स पास ऑफ द जनरल कैटेगरी एंड एक्स सर्विस मैन इज द 35% एंड 33% मार्क्स फॉर द SC ST OBC कैंडिडेट। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स की होगी और जो मिनिमम मैंने सबसे कम वाला जो मार्क्स होगा पास करने के लिए तो जनरल कैटेगरी के और एक सर्विस मैन के लिए 35% लाना होगा यानी 35 नंबर लाने होंगे मार्क्स, और OBC SC ST के कैंडिडेट को 33% मार्क्स लानी होगी। आगे कह रहा है कि हाउ एवर द फाइनल सेलेक्शन विल बी डिपेंडेंट ऑन द पोजिशन ऑफ द कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट इन द अकॉर्डेंस टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी अगेंस्ट द पार्टिकुलर स्टेट कैटेगरी और ट्रेड से। आगे कहा गया है कि जो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी यानी आपकी जो सिलेक्शन होगी अंतिम सिलेक्शन होगा वो होगा किस पर डिपेंड रखता है, तो आपके पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट अकॉर्डिंग एबिलिटी सीट यानी आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके रिटेन पर ही बनेगा, और वो भी जो इतने वैकेंसी है जितने आपके स्टेट है और कैटेगरी वाइज बनेगी यानी जो वैकेंसियाँ थी स्टेट वाइज बांट दी गई थी उसके बाद स्टेट वाइज बनेगी, उसके बाद कैटेगरी देखा जाएगा, उसके बाद ट्रेड देखा जाएगा और ट्रेड के हिसाब से बनाएगा जो ट्रेड आप सेलेक्ट किए होंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट दो पर्सन के लिए है, किसके लिए, तो ट्रेड्स में जो स्किल टेस्ट होने वाला है आपको क्लर्क और पर्सनल असिस्टेंट पीए की जो को हम लोग शॉर्ट हैंड यानी स्टेनोग्राफर बोलते हैं पीए उनका होगा, और क्लर्क के लिए होगा जो कि क्लर्क का होने वाला है उसमें होगा टाइपिंग आपको करनी होगी, और पर्सनल असिस्टेंट को क्या करना होगा आपका स्टेनो की देना होगा और शॉर्ट हैंड करना होगा और फिर उसको टाइप करना होगा। तो ये आपके एग्जामिनेशन की बात है। तो यहाँ पर जो भी लोग 35 नंबर लाएंगे वो अगले सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाएंगे, बाकी जो होगा आपका जैसे कि ट्रेड्स है, जो भी ट्रेड्स हैं कुक है कोबलर है ये सब जो होंगे उनके एग्जाम के बाद ट्रेड टेस्ट होगा, और कलर का जो होगा वो टाइपिंग होगा, पीए का होगा शॉर्ट हैंड करना पड़ेगा, और जो भी जैसे क्लर्क है वाटर कैरियर है या जो भी आपकी और भी वैकेंसियाँ थी या सफाई कर्मचारी के हैं तो आपका आगे की प्रोसेस में या आपके वाशरमैन का वेल्डर का हो तो आपको वेल्डर का नहीं होगा ट्रेड टेस्ट, आपको सिर्फ इन लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, और उसके बाद आपको जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए और भी थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ पे स्केल की बात करते हैं। तो लिखता है कि पे स्केल यानी आपकी तो पे स्केल एंड द अदर अलाउंस विल बी एट द एडमिसेबल टू द असम राइफल री पर्सनल, यानी ये जो असम राइफल के जो पे है वहीं आपको पे दिया जाएगा, ये सारी बातें हुई। थोड़ी सी लास्ट में मैं बात कर लेता हूँ स्किल टेस्ट के बारे में बात कर लूँ, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है कि सर हिंदी में टाइपिंग करना होगा इंग्लिश में या दोनों में करना होगा। तो यहाँ पर सीधा लिखा गया है जो कि एक बार और बता दूँ कि कलर का जो इनिशियल यानी स्टार्टिंग रैंक होगा वो क्या होगा, हवलदार रहेगा, और आपको स्किल टेस्ट देना होगा किस पर, तो कंप्यूटर पर देनी होगी। इंग्लिश में टाइपिंग आपका होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट और ऑन द कंप्यूटर, और हिंदी में जो होना चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, यानी एक मिनट में आपको हिंदी में अगर टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड देना होगा, किसी एक में आपको टाइप करना है, दोनों नहीं करना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। और आगे की बात बता दें तो आपको जो कॉरपेंडिंग तो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो इंग्लिश में 10,500 KDPH होना चाहिए इन इंग्लिश, और 9,000 किस में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। और जो एक वर्ड की गिनती की जाएगी वो 5 की डिप्रेशन पर किया जाएगा, यानी यदि आप मैंगो लिखते हैं और मैंगो में अगर 5 अक्षर है MANGO तो 5 जो
वर्ड होंगे तो उसका एक वर्ड गिना जाएगा, ठीक है। तो ये कलर की रही, थोड़ा सा बात कर लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट की। तो पर्सनल असिस्टेंट में इनिशियल जो होगा, स्टार्टिंग रैंक जो होगा वो वारंट ऑफिसर की होगी, और आपका जो स्किल टेस्ट होगा ऑन द कंप्यूटर, तो डिक्टेंशन करना है 10 मिनट में, 80 वर्ड आपको करना होगा, 80 वर्ड करना होगा पर मिनट, और आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट दिया जाएगा इन इंग्लिश में, और जो हिंदी में करेंगे उनको 60 मिनट दिया जाएगा ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये रहा कुछ आपके लिए इनिशियल में जो बात बताया, ये आपको करना होगा, ठीक है। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों वैकेंसी इंक्रीज हुआ है, और कितना हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, वैकेंसी कितने से कितने इंक्रीज हो गए हैं। तो देखिए जो वैकेंसी जो इंक्रीज हुआ था उसका ये असम राइफल ने नोटिफिकेशन दिया था, जो कि आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है, क्लियर लिखा गया है कि ये 7 तारीख को रिलीज हुआ था, जबकि जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था आपको, वो पुराना जो नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी के लिए, वो यहाँ पर दिया गया है कि 15 दिसंबर को निकला था वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, और जो ये वैकेंसी के इंक्रीज की न्यूज़ दी गई थी वो कितने तारीख को, 7 तारीख को दिया गया था, जो कि यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है, कहाँ पर कितने सीटें हैं आप ध्यान से देख सकते हैं। यदि इसका आप PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो थोड़ा सा मैं दिखा दूँ आपको वैकेंसी या इंक्रीज कैसे हुआ, मैं ये भी दिखा देता हूँ। चलिए तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये बिहार के सीटें, देखिए बिहार में कितने किसके लिए सीट है, देखिए हवलदार के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो हवलदार कलर के लिए बात करते थे तो टोटल सीटें जो 20 हो गई हैं, ठीक है, जो कि पहले कम थी। पहले वाला भी मैं आपको एक बार सीट दिखा देता हूँ यहाँ पर, 1 मिनट, पहले देखिए अभी 20 हुआ है, पहले कितना था यहाँ पर देखिए, ये पहले के सीटें हैं जो कि टोटल कितने थे 15, लेकिन अब बढ़ा करके 20 कर दिया गया है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए और एक देख लीजिए, नायब सुविधा ट्रांसलेटर की 2 सीटें, ये इस तरह सीटें थी, ये सब सारे सीट देख सकते हैं। तो सीटें बिल्कुल बढ़ी हुई है, पहले जो सीटें थी टोटल कितने थी मैं पहले में स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दिया है कि 700 कुछ सीटें थी, लेकिन अब 1000 कुछ सीटें टोटल हो गई है, ठीक है। यहाँ पर टोटल सीटें कितने हो गई हैं मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। तो दोस्तों टोटल सीटें जो बढ़कर के हो गई हैं 1022 सीटें हो चुकी हैं, मैंने काउंट किया स्टेट वाइज कितने टोटल बढ़े हैं। तो ये रहा टोटल सीटें 1022 हो गई है, जो कि पहले 700 कुछ ही वैकेंसियाँ थी। तो आप लोग लग जाइए, कल से मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पर लग जाइए, कल से मैं आपको डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करा दूँगा। प्रीवियस ईयर वीडियो लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, और अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, और एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो और भी हौसला बढ़ेगा वीडियो बनाने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी एक बार अवश्य कमेंट करके बताइएगा, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।